कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन मंडल उपाध्यक्ष के किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। जनपद लखीमपुर खीरी ब्लॉक बिजुआ क्षेत्र के बस्तोला चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन संघ के मंडल उपाध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू व किसानों ने विभिन्न प्रकार की मांगों व समस्याओं को लेकर बिजुआ के बस्तोला चौराहे पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी व भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू व तमाम कार्यकर्ता एकत्र होकर बस्तोला चौराहे के हाईवे पर अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। पहले कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर चक्का जाम करने की कोशिश की, पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम गोला अखिलेश यादव द्वारा समझाने पर आगमन शुरू हो गया। एसडीएम गोला के समक्ष किसानों ने अपनी समस्याओं व मांग सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को रद्द करने, शुगर मिलों पर गन्ने का बकाया भुगतान कराने, डीजल पेट्रोल पर बढ़ रही कीमतों को कम करना, एमएसपी पर ही हर जगह धान की खरीदी होना वे छुट्टी पशुओं से निजात तथा इनकी द्वारा चरी गई फसलों का मुआवजा दिलाए जाने आदि को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी पीएसी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान अमरीत सिंह, धनपाल यादव, सुलखन सिंह, बलवीर सिंह, मुख्तार सिंह, गुरुदेव सिंह, सुधीर यादव, तरसेम सिंह, कमलेश यादव, धीरज शर्मा, बिट्टू सिंह, जगजीत सिंह आदि किसान मौजूद रहे। तो कट जाता है कि जब पैसा जमा करने जाते हैं उसी में काट देते हैं कि आपका इतना बीमे का पैसा से जुड़ा हुआ है, बाकी बताया नहीं जाता कि कितना इसमें किस्त आपकी कितनी जुड़ रही है। बीमा तो देना ही पड़ेगा, बिना बीमा करते लोन नहीं करते। लखीमपुर में किसानों की एक बड़ी समस्या ये भी है कि इसमें तराई में किसानों